ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं रूही करने वाली है अपना लेवल क्रॉस, इस हद तक जाती नजर आने वाली है दादी साहब के सामने कि वो दादी साहब के मन में अभीरा के लिए नफरत को दुगनी तिगनी कर दे। वही अब हम देखने वाले हैं फैंस की दादी साहब के इन्फ्लुएंस में आकर दादी साहब अरमान के सामने डाइवोर्स पेपर्स तो रख देंगी, और यहाँ तक कि अब सिचुएशन ऐसी आने वाली है कि जहां पर अभीरा माँ पापा को एक करने के लिए उनके बीच में जो एटलीस्ट अभीरा की वजह से करवाहट पैदा हुई है वही दूर करने के लिए छोटी छोटी कोशिश करती नजर आने वाली है, जो कहीं ना कहीं अरमान के मन में भी थी, लेकिन एक बार फिर से रूही की बातों में आकर वो उस बात को भी उस आइडिया को भी गलत समझते नजर आने वाले हैं जो खुद वो माँ और पापा को करीब लाने के लिए प्लान कर रहे थे, और अभीरा के करने के बाद वही चीज अरमान के लिए गलत साबित होती नजर आएगी। साथ ही साथ अब ना दादी सा ना रूही बल्कि अरमान रखते नजर आने वाले हैं अभीरा के सामने डाइवोर्स पेपर्स। गुस्से में आकर वो अभीरा से ये हक छीनते नजर आने वाले हैं कि वो उनके परिवार के किसी भी सदस्य के किसी भी मामले में दखल ना दे। देखने वाली बात ये होगी कि अब तक तो बाकी और लोगों से अभीरा को नफरत मिल रही थी और अरमान ने खुद डाइवोर्स पेपर्स की बात को अभीरा तक नहीं पहुंचाया था, बट अब वो खुद गुस्से में आकर ये सब कुछ करने वाले हैं, अभीरा के सामने रखने वाले हैं डाइवोर्स पेपर्स उनके सामने। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अरमान को अपने इसी फैसले पर थोड़े ही टाइम में पछताना पड़े। जाने के लिए स्टार्स के शो रिश्ते क्या कहलाता है, लगातार देखते रहिए। स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन बाय बाय एवरीवन।